समस्तीपुर जिले के एडीएम अजय तिवारी ने बुधवार को समस्तीपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे एडम के कारण सदर अस्पताल में डॉक्टर और कर्मियों के बीच पर हड़कंप मच गया। एडीएम के पहुंचने की सूचना पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी भी सदर अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने दवा की व्यवस्था की जाँच की। दवा वितरण व्यवस्था के साथ स्टॉक की जांच एडीएम अजय तिवारी ने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण के उपरांत दवा वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की। बाद में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर दवा के स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल की। निरीक्षण के बाद कहा कि सदर अस्पताल में दवा वितरण की व्यवस्था ठीक ठाक है। सदर अस्पताल में सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। लोगों से ज्यादा सरकारी अस्पताल पहुँचने का आह्वान किया। कहा कि यहां सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जनता इसका उपयोग करें। मेडिकल फैसिलिटीज की को देखने में आया था, क्या क्या सुविधाएं और रिक्वायर्ड हैं, दवा की उपलब्धता देखने आया था, ऑक्सीजन की उपलब्धता, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं यहां पे अटैच्ड हैं उनके सर्विसेज की क्या स्थिति है, सबकी जाँच पड़ताल की गई, निरीक्षण किया गया। दवा की उपलब्धता संतोषप्रद है, दवा उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी प्लांट वर्क कर रहा है। फिर मैंने खान पान सेवा की पड़ताल की, मरीजों से भी फीडबैक लिया और काफ़ी फ्रूटफुल रहा ये विजिट। सर, एक समस्या यहाँ ज्वलंत समस्या है यहाँ सुरक्षा का, जो भी सुरक्षा कर्मी अभी मतलब जो लिए हैं अभी सिक्योरिटी का, वो 20-20 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, तो सुरक्षाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं उनसे 20-20 हज़ार रुपया डिमांड किया जा रहा है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसको दिखवाता हूँ। डिमांड